Welcome to Prague, everybody. अभी थोड़ी देर पहले प्राग पहुँचे और क्योंकि हम जहाँ पर स्टे कर रहे हैं इट्स एन एयर बी एन बी और ये सेंट्रल ट्रेन स्टेशन से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में था, 1 किलोमीटर। अगर आपके पास लगेज नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बट हम लोग के पास क्योंकि एक ट्रॉली बैग, एक रक्सैक ऐसा था, पर फिर भी हमने मैनेज कर लिया एंड वी हैव रीच्ड। फ्रेशन अप होकर अब हम बाहर जा रहे हैं टू हैव डिनर। यहाँ पर अभी वैसे 5:30 बज रहे हैं, बट जब से हम यूरोप आए तब से अर्ली डिनर ही हो रहा है हमारा। और हम जहाँ पर रुके हुए, जो एयरबीएनबी, उसके सामने ही पूरा ऐसे टूरिस्टी एरिया है, मतलब सेंट्रल है सिटी का। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट बाहर जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर डिनर करना है एंड आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। एंड दिस इज आवर एयरबीएनबी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। दिखा दो। अभी वैसे मैस कर दिया है हमने आते ही, बट कोई बात नहीं, थोड़ा तो दिखा ही सकता है। ये हमारा किचन है गाइस। This is the kitchen and नहीं सांचे में और ये बाहर ले जाने की मुझे कोशिश कर रहा है इस वजह से। यहाँ पे दूसरे भी अपार्टमेंट्स है तो ज़्यादा हल्ला नहीं करो। देखो यहाँ पे क्या साइन बना हुआ है, साइलेंस। सब तुम जैसे लोगों के लिए है। साइलेंस कीप। तुम जैसे लोगों के लिए हो। कीप योर माउथ शट। A few inches later. हिडन रेस्टोरेंट मैंने कैसे सर्च किया पता है आपको? मुझे भी किसी यूट्यूब चैनल से पता चला। आज हम ट्रेन से आ रहे थे तो मैंने प्राग के किसी गाइड का यूट्यूब चैनल देखा, उसमें ये हिडन जेम्स में ये रिकमेंडेशन थी कि लोकल्स यहाँ पे आते हैं यूजुअली पास्ता के लिए, बिकॉज यहाँ के पास्ता बहुत फेमस है। एंड दैट्स हाउ वी गॉट टू नो एंड हमने ऑर्डर किया है। दोनों ने अलग अलग पास्ता ऑर्डर किया है। द नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी, बट ये जैसे आता है आपको दिखाते हैं। A few moments later. Would you like it too small place to share? Yes. So great to move. तो हमने उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे से खाया। पास्ता बहुत बढ़िया था, मतलब ऑथेंटिक एकदम। और जो फोकाशिया ब्रेड उन्होंने एज साइड्स सर्व की थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी। हमने उनसे पूछा, ये ब्रेड का बहुत शौकीन है, हमने उनसे पूछा कि हम इसको ले जा सकते हैं क्या ब्रेड को, तो वो बोले कि आपको सुबह आके प्री ऑर्डर करनी पड़ेगी तब आपको मिलेगी। तो बस हम जस्ट अभी वहाँ से तो बाहर आए हैं, ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग और मेन स्क्वायर तक आ गए। ये देखो हमारा एयरबीएनबी इतने मस्त लोकेशन में है, ये देखो सब कुछ एकदम। और यहाँ देखो आप जमावड़ा, देखो जमावड़ा। ये आर लेडी चर्च है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड दिस इज द क्लॉक टावर और ये मेन स्क्वायर है प्राग का। और यहाँ पे सारा क्रिसमस के टाइम पे जब मार्केट लगता होगा, ओह माय गॉड, तब कितना सुंदर लगता होगा। नेक्स्ट टाइम हमको क्रिसमस में आना है। ठीक है, क्रिसमस तक रुक भी जाते हमारा बस चलता। तो आज जो हमने फोकाशिया खाई है उसके बाद तो हम ये तो रुक सकता है, ये जितना टाइम भी रुक सकता है, इसको ब्रेड खिला दो बस और अच्छी वाली। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे वाइट ब्रेड सड़ी मैदे वाली खिला दो, मतलब मैदे वाली होती है ब्रेड, बट अच्छी वाली ब्रेड अच्छी। तो दोस्तों हमने ली है ये चेक की ट्रेडिशनल ओल्ड चिमनी केक बोलते हैं इसके अंदर, बट ये आइसक्रीम भी स्टफ करके देते हैं। हाउ इज इट? बहुत अच्छा है,
फ्रेशली ऐसे रोल आपने देखा ही अभी वीडियो में लोग बना रहे हैं, और फिर उस पर आप जो भी चाहोगे आइसक्रीम या नटेला या चॉकलेट या नॉर्मल विदाउट एनीथिंग प्लेन वो भी मिलेगा क्लासिक। यहाँ पे आओ तो हमारा कूपन कोड है वंडरलस्ट अमानी ABCDXYZ12345 जरूर देना, आपको 2 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। देखो गाइस क्या मजे हैं, हमने ये पूरे ट्रिप में क्या किया है ना, जिस दिन हम किसी भी जगह पहुंच रहे हैं उस दिन की शाम हम उस एरिया को, उसके जो मेन सेंटर एरिया है उसको हम वॉक करके बस थोड़ा सा ऐसे उसकी वाइब लेते हैं। उस दिन हम कोई ऐसा टास्क नहीं रखते कि हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, बस हम चिल करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं आसपास क्या है, वाइब लेते हैं उस जगह की, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम प्लान करते हैं सुबह जल्दी उठ के। अब जैसे अभी आप ये जो जगह देख रहे हो, इस जगह चार्ल्स ब्रिज के में कितनी भीड़ है आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ हम आएंगे सुबह के 6 बजे आई थिंक, तब आपको फिर दिखाएंगे, तब आपको दिखाएंगे, तब आप देखना। वो टाइम जो होता है ना वो एक सुकून वाला टाइम होता है, और वो इस जगह में वो जो उस टाइम का जो मज़ा है ना वो नहीं है दूसरे टाइम में, क्योंकि उस टाइम सिर्फ लोकल्स ही होते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, और फिर हम होते हैं, हम जो फोटो शूट कर रहे होते हैं हमें वो वाला टाइम पसंद है, और ये वाला भी पसंद है कि लोगों को देखो बैठो चिल करो मजे लो। तो हम अभी सुपरमार्केट गए थे और हमने 3 पानी की बोतल ली, 1-1 लीटर पानी की वैल्यू अगर आपको करनी है, अगर आप इन्वायरमेंट की वैल्यू करना चाहते हो तो पैसे कमाओ, पैसे खर्च करो और एक बार यूरोप की ट्रिप करो। हाँ। आपको पता चल जाएगा कि पानी की क्या वैल्यू है, एक एक घूंट पानी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। हमारे देश में आई थिंक 20-25 साल बाद ऐसा होगा, देखना बिल्कुल होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक टाइम पे पापा बोलते हैं, एक टाइम था जब हम लोगों को कोई बोलता था कि बिस्लेरी मतलब कोई पानी की कंपनी बनेगी और वो पानी की बॉटल बेचेगी तो हम हंसते थे, आज शायद हमें अगर बोले कि इंडिया में भी 800 रुपये की पानी की बॉटल मिलेगी तो लोग शायद हंस सकते हैं, बट ये हो सकता है गाइस। तो इसीलिए एनवायरनमेंट की वैल्यू हमें करनी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, और पेड़ लगाने चाहिए यार, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमको ये सुपरमार्केट काफ़ी कम रेट में मिली, अदरवाइज बहुत महंगी मिलती है। ये 1 लीटर पानी हमको यहाँ पे कन्वर्ट करके आप मान लो 65 रुपीज़ का मिला, वो हमको सस्ता लग रहा है, सस्ता है, और हम क्योंकि हमने 400 रुपये की बॉटल भी ली है, आधा लीटर की बॉटल 400 रुपये की, तो ये हमें काफ़ी सस्ती लग रही है, थोड़ा वैल्यू करो। यस, क्योंकि यहाँ आके पता चलता है। और अब हम जा रहे हैं अपने स्टे वापस, क्योंकि हमारा दिन आज का हो गया डन, अब हम जाके करेंगे आराम। The next day. Good morning everybody. So it's our day 2 इन प्राग। वैसे हमारा घूमने के हिसाब से ये पहला दिन ही है, क्योंकि कल तो हमने आपको जैसा बताया था कि हम आए और हमने बस ऐसे ही जस्ट वाइब ली प्राग की, एंड अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 9:10 हम बढ़िया एयरबीएनबी में ही नाश्ता करके कॉफ़ी पी के निकल चुके हैं, और आज का जो हमारा पहला और आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है, पहले सबसे पहले तो हम एक वॉकिंग टूर ले रहे हैं। यस, अराउंड चेक से क्या थोड़ा आइडिया लग जाता है, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग जहाँ पे भी जाएँ अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग वॉकिंग टूर लें, उससे थोड़ी सी जगह के बारे में जानकारी मिल जाती है, और गुरु वॉक में आप फ्री वॉकिंग टूर बुक कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर क्योंकि उनको उनके कोई चार्जेस नहीं है, बट जब आप टूर ख़त्म होता है तो गाइड आपको अच्छा लगा जो भी चीज़ें तो आप उसके हिसाब से उनको कुछ टिप दे सकते हो, आइडियली 10 यूरो पर पर्सन के हिसाब से लोग टिप करते हैं, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। तो यस, अभी हम उसके लिए जा रहे हैं, पहले एक वाटर बॉटल खरीद लेते हैं ग्रोसरी स्टोर से, और उसके बाद विल स्टार्ट अ टूर। तो दोस्तों हम लोग प्राग की गलियों में घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बीच बीच में हम काम भी करते हैं, जैसे अभी आप लोगों को दिखाने के लिए हम स्टोरी अपलोड करने के लिए एक जगह बैठ गए हैं,
बहुत ही सुंदर जगह है, देख लो आप। और थोड़ा फोटो शूट भी किया हमने यहाँ पर, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट भी कर लिया। और जो लोग जानना चाहते हैं, कई लोग पूछते हैं हमसे कि आप लोग कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, थोड़ा कैमरे के बारे में भी थोड़ा आप बता दीजिए। कैमरे पे प्रकाश डाल देता हूँ मैं थोड़ा। ये हम यूज़ करते हैं फूजी फिल्म का XT5, हमने नया नया लिया है। हम दोनों को ही कैमरे के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज फ़िलहाल है नहीं, तो जितना सीख रहे हैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के, इधर उधर से किसी से पूछ के, उतनी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने की। और दूसरा जिसमें ब्लॉग कर रहे हैं वो है GoPro Hero 12। GoPro हमारा गो टू कैमरा है। मैंने जब से YouTube में ब्लॉगिंग शुरू की थी, मतलब पहले तो मैं फ़ोन यूज़ करती थी, बट जब पहला कैमरा मैंने लिया था वो GoPro Hero 9 था। उसके बाद 10 यूज़ करते, उसके बाद 11, एंड देन नाउ इट्स 12। तो 12 हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए, ये फ़ोटोज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सिनेमेटिक शॉट्स के लिए फूजी फिल्म। और बाकी हमारे पास है गूगल पिक्सल 8 प्रो एंड हमारा दोनों का आईफोन। ठीक है, पीछे देखो गाइस वॉकिंग टूर आ गया है। बस 10-15 मिनट में हम लोग भी ऐसे ही किसी वॉकिंग टूर में घूम रहे होंगे। 15 minutes later. Novum, yes, though, New City is the original name of Newtown. It was named New City in the 14th century by King Charles IV. So it is about 600 years new at this point. Also, Newtown is a historic neighborhood. Now, behind the statue is a very notable building. This is the National Museum. It's a grand 200-year-old neo-Renaissance building, and it has been a museum since it was first built. It has an सो गाइज वॉकिंग टूर स्टार्ट हो गया है, एंड अब हम ओल्ड टाउन से न्यू टाउन की तरफ जा रहे हैं, न्यू टाउन से ओल्ड टाउन की तरफ जा रहे हैं, सॉरी। और अब हमको पता चल रहा है कि कौन सी बिल्डिंग का क्या सेंस है, क्या बात है उसके पीछे है। तो यस, लेट्स गो। तो गाइज ये जो क्लॉक अभी आप देख रहे हो, ये 1410 में बनी थी, और ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है जिसकी काफ़ी डिटेलिंग है, मतलब ये दिन के हिसाब से इसे राउंड करती है, और हर घंटे में आप एक शो लेते हैं। आपको हर टाइम जब भी आप आओगे यहाँ पे, आपको इतने लोग ही खड़े हुए दिखेंगे, और सब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं इस क्लॉक को। एंड दिस इज़ द मेन स्क्वायर ऑफ प्राग। यहाँ पर You'll see a lot of places. There is Our Lady Church also right there. अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। वॉकिंग टूर में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, एंड हमारी जो गाइड है शी इज़ वेरी क्यूट, बहुत अच्छा सब बता रही है। Germany immediately he began preaching his controversial ideas. Guys, यहाँ पे चेक में एक मैसेज लिखा हुआ है, just love each other and tell the truth. What a lovely message. तो आप जिसको भी प्यार करते हो उनको सब कुछ सच सच बताओ, दैट्स द मैसेज। सो अभी हमारे टूर का थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, मतलब ब्रेक टाइम दिया है उन्होंने। सो वी गॉट दिस क्रोसॉन, जिसमें कि टोमेटो, मोज़रेला चीज़ और ये सारी चीज़ें, एक बेकर से पीछे। यस, बिकॉज हमको कुछ ऐसा स्वीट खाने का मन नहीं था, तो हमने पेस्ट्री नहीं ली है, एंड आई एम सेविंग स्वीट डेजर्ट उसके लिए, जो यहाँ का चेक का वेरी फेमस ट्रेडिशनल एक डेजर्ट है। कितना फ्रेश लग रहा है, चलो। और क्रोसॉन्स तो यहाँ अच्छे होते ही हैं, अच्छा होगा ना? वेरी नाइस। चलो लेट्स क्रॉस। 11 मिनट्स लेटर। तो गाइस ये जो स्टूडियो, ये जो स्टैचू है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसकी टोस छूते हो तो प्राग में आपका वापस आना मुझे बार बार आना कंफर्म है, आपको आपको ये वापस बुलाएगा ही अगर आपने इसके टोस छू लिए। या इसने 3-4 बार छू लिए हैं, आप देखो। तू भी छू ले, हमें को तेरे साथ ही आना है, मेरे को अकेले नहीं आना। जा छू ले प्लीज। ज़्यादा बार छू लेंगे तो फिर यहाँ पे रेंट पे देखना पड़ेगा घर। गो। देखा गाइस, बीवी के लिए करना पड़ता है क्या क्या। अब हमने इतनी बार छू लिया है, अब हम यहाँ से टूर छोड़ के जा रहे हैं, रेंट पे घर देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि इतनी बार आना जाना, फ्लाइट की टिकट नहीं कर सकते, यहीं रुक जाते हैं। अभी हम ज्यूइश टाउन के आसपास है, प्राग में, प्राग 1 में। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि सारे ज्यूस पहले यहाँ पे रहते थे, और ये बहुत ही लो रेंटेड एरिया था उस टाइम, लेकिन अब उनके जाने के बाद
यहाँ पे सब कुछ सबसे महंगा है. सो दिस इज आई गेस 10th और 11th मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट इन यूरोप. इन द वर्ल्ड. तो अब यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स हैं. इसको पेरिस स्ट्रीट बोलते हैं अब. और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्रांड्स की लेन है. यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कार्स हैं जो हमने पहले टीवी में देखी थी, लेकिन अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं. तो यस, हम यहाँ घूम रहे हैं. अब फिर इसके बाद हमारा टूर एंड होगा चार्ल्स ब्रिज के आसपास, रिवर के पास में. एंड देन वील हैव सम लंच. ओके एवरीबॉडी, सो अभी हम एक जगह पे फाइनली बैठ गए हैं. दिस प्लेस इज़ अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट और हमने कुछ ऑर्डर किया है लंच के लिए, सम रोल, सम मैक्सिकन रैप और समथिंग और कुछ ड्रिंक्स. तो ये हमारा लंच होगा. हम लोग क्विकली थोड़ा सा ही लंच खा रहे हैं क्योंकि हमको शाम को हमारी एक फ्रेंड से मिलना है जो कि प्राग में रहती है. हम उससे पहली बार ही मनाली में मिले थे एंड हमने साथ में हाइक वाइक भी करी थी. और जिस टाइम में हम हमेशा मनाली में रहते हैं वहाँ पर मिले थे हम फर्स्ट टाइम. एंड उसको पता चला हम आ रहे हैं तो शी सेड कि मिलते हैं हम, तो हम साथ में डिनर करने वाले हैं. सो यस, वो आज शाम का प्लान है, बट अभी हम लंच करते हैं यहाँ पे मस्त रोड साइड बैठे हुए. सो गाइज, दिस इज वॉट वी ऑर्डर्ड, द रोल्स मैक्सिकन एंड ही ट्राइड इट ऑलरेडी. अच्छा है. सम राइस, सम सॉसेज एंड सम बीन्स. One shift later. तो दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग फिर से निकल रहे हैं टूवर्ड्स प्राग कैसल. हम लोग थोड़ा दोपहर में, क्योंकि धूप ज़्यादा है यहाँ पे, गर्मी है, तो हम लोग थोड़ा सा अपने एयरबीएनबी पे आ गए थे और मैं रेडी हो गई हूँ. तो फिर से थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग जा रहे हैं प्राग कैसल. तक का सबसे सुंदर चर्च. ओह माय गॉड, यू हैव टू सी. ओहो, ओह माय गॉड. मतलब इनको पता है कि इसको देखने के लिए इंसान को थोड़ी देर बैठ के देखना पड़ेगा, इसलिए सब जगह सीटिंग्स लगा रखी है. हाँ, चारों साइड पे सब बैठ गए इधर, और इवन अंदर भी इस तरफ से हम अभी गए थे, वहाँ पे हम लोगों को व्लॉग करने का भी ऐसा मन है. सब लोग बैठ के देख रहे हैं बस. Everybody is watching this piece of art. क्या सुंदर बनाया है. इस चर्च से बाहर आ रहे हैं और कैसल में एक्चुअली कैसा है कि सारी जगह है, म्यूज़ियम, पैलेस, ये सारी जगह की टिकट्स अलग अलग है. और टाइमिंग, बेस्ट टाइम जो यहाँ पे अंदर आके विज़िट करने का है, सुबह का है, जब आपको क्राउड कम मिलेगा. अभी इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि सबके सब अंदर ही गए हुए हैं, तो आप इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे. अगर हम लोगों को दोनों को ऐसे म्यूज़ियम में और उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है तो हम लोग ऐसे अवॉइड करते. जब हमारे पास गाइड होते तभी हम जाते, तो हमको समझ भी आए, कॉन्टेक्स्ट भी मिले. अभी कोई गाइड हमने नहीं किया था तो हम अंदर नहीं गए, हमने सिर्फ बाहर से कैसल देखा और बाहर से व्यू वगैरह देख के, चर्च देख के. वी आर गोइंग बैक क्योंकि हमें हमारी फ्रेंड से मिलना है. जैसा हमने बताया था आपको, तो वी आर मीटिंग हर, अभी 6 बज रहे, 7 बजे हमारा मिलने का टाइम है. तो हम लोग साथ में डिनर विनर करेंगे. सो या, अब चलते हैं. और ये भी बता दो, हम लोग ऐसे एक चेक क्विजीन के रेस्टोरेंट जा रहे हैं जहाँ पे ऑथेंटिक चेक क्विजीन मिलता है, बट इन वेजिटेरियन. या इन वेजिटेरियन, उसने हमारे लिए बोला कि तुम लोग क्योंकि वेजिटेरियन हो, तो उसने ढूंढा और बताया कि यहाँ पर हम चल सकते हैं डिनर के लिए. तो वो भी हम आपको बताएंगे अगर अच्छा होगा तो. यस, डेफिनेटली अच्छा अगर रेस्टोरेंट होगा तो आप लोग वहाँ से टिकट करा के यहाँ पे खाने आना. सीधी बात है.